तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। खबर यह है कि वैसे लोग जो साफ सुथरी फिल्मों को देखना पसंद करते हैं, जैसे भारतीय सभ्यता, संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार, ये सारी चीज़ें पसंद है, वे राजश्री प्रोडक्शन की फिल्में जरूर देखते हैं। और शायद राजश्री प्रोडक्शन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी प्रेस्टिजियस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी है जो हमेशा से ही अपने मूल्यों का सही तरीके से पेश करने में कारगर साबित हुई है। राजश्री प्रोडक्शन कंपनी जब भी अपने फिल्मों को लाती है पर्दे पर, उनका सब्जेक्ट और उनका प्रस्तुतिकरण हमेशा ही शानदार होता है। हालांकि ये बात सच है कि राशि प्रोडक्शन की फिल्में काफ़ी अरसे बाद बनती है, और इस बार राशि प्रोडक्शन की नई फिल्म जो आने वाली है वो काफ़ी नए तरीके की होगी, लेकिन वो अपने मूल्यों से कभी नहीं भटकेगी। और इस बार राशि प्रोडक्शन की नई फिल्म को निर्देशित कौन कर रहे हैं और कौन होंगे इसके एक्टर और एक्ट्रेस, इस बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा। देखते रहिए हमारा वीडियो। हेलो और नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ अपना लाइफ को एंजॉय कर रहा होंगे। मैं हूँ गोविंद और आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है बॉली बच्चन। तो राशि प्रोडक्शन की नई फिल्म की अनाउंसमेंट लगभग हो चुकी है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अपनी इस फिल्म की घोषणा की है। फिल्म का नाम अभी तय नहीं है, लेकिन इस फिल्म में एक्टर के तौर पर राजवीर देओल, सनी देओल के पुत्र, और पालोमा, पूनम ढिल्लो की पुत्री को साइन किया गया है। इस फिल्म को निर्देशित करेंगे सूरज एस बड़जात्या के बेटे अविनाश एस बड़जात्या। फिल्म काफ़ी बड़े पैमाने पर होगी। फिल्म वेडिंग डेस्टिनेशन पर आधारित होगा। अविनाश एस बड़जात्या ने इस बारे में सोशल मीडिया अकाउंट पर जानकारी देते हुए आगे बताया कि अच्छी होगी, साफ सुथरी होगी और अपने मूल्यों पर खरा उतरने की कोशिश करेगी। इस फिल्म में राजवीर देओल और पालोमा ठाकरिया हैं, दोनों ही उम्दा कलाकार हैं। हमने इनके परफॉर्मेंस देखे हैं और हमें ये खुशी के साथ साथ काफ़ी फख्र है कि वो इस फिल्म में अपने कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय करेंगे। एक दिलचस्प बात मैं आपको बताता चलूँ कि राजवीर देओल के पिता यानी सनी देओल भी एक बहुत बड़े एक्टर रह चुके हैं, और पालोमा की माँ पूनम ढिल्लो भी एक अच्छी एक्ट्रेस रह चुकी है 80s के दौर की। और सनी देओल और पूनम ढिल्लो ने जब दोनों ने ही अपनी कैरियर की शुरुआत की थी तो दोनों ने फिल्मों में साथ में काम भी किया था, और इनकी सोहनी मनीवाल उस समय काफ़ी हिट रही थी, इसके गाने काफ़ी हिट हुए थे, और इन दोनों की जोड़ी को भी पर्दे पर काफ़ी सराहा गया था। तो उम्मीद कर रहा हूँ जिस तरह के सनी देओल और पूनम ढिल्लो की जोड़ी को पर्दे पर काफ़ी पसंद किया गया था, वैसे ही राजवीर देओल और पालोमा को फिल्मी पर्दे पर लोग देखना पसंद करेंगे। पालोमा पूनम ढिल्लो और अशोक ठाकरे की पुत्री है, लेकिन ये अलग बात है कि पूनम ढिल्लो का अपने हस्बैंड अशोक ठाकरे से काफ़ी पहले ही सेपरेशन हो चुका है, तलाक हो चुका है, लेकिन पालोमा को पूनम ढिल्लो ने काफ़ी लाड़ प्यार से और काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी परवरिश की है। तो देखते हैं ये जो नई जोड़ी फिल्मी पर्दे पर जब आएगी तो कितना धमाल मचाएगी, लेकिन इतना तो तय है कि उनकी पहली फिल्म काफ़ी साफ सुथरी होगी और अन्य सितारों से हटकर होगी। हो सकता है ये फिल्म ठीक उसी तरह अपनी फिल्मों की शुरुआत करे जैसे कि 90 के दौर में मैंने प्यार किया जैसे फिल्म बनी थी, दोनों ही कलाकारों को काफ़ी पसंद किया गया था, तो शायद वो इतिहास फिर से ये फिल्म दोहरा दे, ऐसा उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की नई जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम अपने वीडियोस में पुरानी फिल्मों के अलावा नई फिल्मों की जानकारी भी देते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।